हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मून ब्लॉग्स। आज मैं दिखाऊंगी मैरी बिस्किट ट्राइफल की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 पैकेट कैपेचिनो का, जिसको मैंने गर्म पानी में मिक्स कर लिया है। आप नॉर्मल कॉफ़ी का पैकेट भी ले सकते हो या फिर मिल्क ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिया है मैरी बिस्किट और उसके बाद मैंने लिया है व्हिप क्रीम। मैं यहाँ पे एक डिश ले रही हूँ, उसके बाद जो कैपेचिनो का मिक्सर मैंने बनाया था उसमें मैरी बिस्किट को डिप करूंगी और एक एक करके उस डिश के ऊपर डालते जाऊंगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में उतना ही टेस्टी होता है। और उसके ऊपर थोड़ा सा कैपेचिनो का मिक्सचर पोर कर दूंगी। उसके बाद व्हिप क्रीम लेके उसके ऊपर एक लेयर लगा लूंगी। उसको अच्छे से स्प्रेड करूंगी। उसके बाद मैरी बिस्किट को फिर से कैपेचिनो के मिक्सर में डिप करूंगी और एक एक करके डालते जाऊंगी। उसके बाद फिर से व्हिप क्रीम का मिक्सर स्प्रेड कर लूंगी। फिर से मैरी बिस्किट का लेयर भी लगा लूंगी। वैसे करके हमें 3 लेयर्स लगाना होगा। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इस ईद में आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो इस रेसिपी को, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। फिर से मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम का ये लास्ट लेयर है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, एकदम स्मूथ सरफेस बना लेंगे ताकि आगे का जो डिजाइन करने जा रहे हैं हम लोग उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद उस डिश को हम लोग फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैरमल सॉस। उसके लिए मैंने 3/4 कप शुगर डाल दिया है। उसके बाद कैरमल, यहाँ पे देखिए कैरमल हो गया है, उसमें मैं यूज़ करूँगी 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और 3/4 कप क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो। और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही गर्म होता है, आप एकदम धीरे से कीजिएगा। मैंने यहाँ पे यूज किया है 1 टीस्पून बटर, उससे बहुत ही अच्छा एक शाइन आ जाता है कैरमल सॉस में। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा कैरमल सॉस रेडी हो गया है, इसको ठंडा कर लेंगे। मुझे पर्सनली कैरमल सॉस बहुत ही पसंद है। स्वीट डिश में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि थोड़ा सॉल्टी होता है, इतना मीठा भी अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सॉल्टी होने से बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, डिश के ऊपर थोड़ा थोड़ा कैरमल सॉस स्पून की हेल्प से डालते जाऊंगी।
अभी मैं एक स्क्यूअर के हेल्प से डिज़ाइन बना लूँगी, जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है वैसे ही एक डिज़ाइन बना लूँगी। इसमें प्रिसाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई सा भी ऐसे डिज़ाइन बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं ऐसे। और उसके ऊपर मैं मैरी बिस्किट को क्रश करके साइड में डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है साइड में डाल दूंगी। अभी इस डिश को मैं मैरी बिस्किट से गार्निश कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पे लिया है पैन रोस्ट किया हुआ पीनट, जिसको मैंने थोड़ा पैन में सेक लिया है क्रंची होने के लिए, उसको भी साइड से ऐसे गार्निश कर लूंगी। आप चाहे तो एलमंड्स भी दे सकते हो, वॉलनट्स भी दे सकते हो। ये हमारा डिश रेडी हो गया है। इस डिश को बनाने के तुरंत बाद इसको फ्रिज में रख दीजिए मिनिमम 5 आवर्स, हो सके तो ओवरनाइट, एंड उसके बाद उसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी कंटेंट एंड रेसिपीज पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।